भोपाल विश्वविद्यालय LNCT में दानिश ने मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पाठ्यक्रम की परीक्षा स्कूल ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से वर्ष 2023 में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करते हुए गोल्ड मेडलिस्ट भी बने और उन्हें इस विश्वविद्यालय से मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की उपाधि प्रदान की गई और मध्य प्रदेश के राज्यपाल शिवम भाई पटेल के द्वारा गोल्ड मेडल पहनाया गया। इसके बाद उनके परिवार में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, उन पर बधाइयों का तांता लग गया। दानिश के पिता एक डॉक्टर जिन्हें दानिश कोरोना काल में खो चुका है, वहीं दानिश की मां आबकारी विभाग में सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर थी। वहीं मां के छलक पड़े खुशी के आंसू और कहा, मुझे अपने बेटे पर गर्व है। कैसा लग रहा है, आपने MBA में मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, कैसा लग रहा है? अच्छी फीलिंग है। पहली बार मुझे मतलब राज्यपाल से जब मेडल मिला, पता नहीं था मुझे ये मतलब रिजल्ट आ गया था मेरा पिछले साल ही, लेकिन कॉन्वोकेशन जो सेरेमनी थी जो मेडल मिलने का था, वो मुझे मेडल मिलने से 15 दिन पहले कॉल आता है और टीचर बोलते हैं कि आपको आना है और गोल्ड मेडल मिला है आपको, तो काफ़ी खुश हुआ। और मतलब कभी सोचा नहीं था कि ये वाली चीज़ भी मेरी लाइफ में मिले होगी कभी, कि मैं एक राज्यपाल से मुझे गोल्ड मेडल मिलेगा, तो अच्छा फील। गरीबपुर में आपने प्राथमिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, कैसा रहा अनुभव? मैंने सेंट डोमिनिक सेवियो इंग्लिश मीडियम स्कूल से अपना नर्सरी से लेकर 12th तक स्कूलिंग की, उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दिया तो मुझे मतलब MP में भोपाल में कॉलेज मिला। सिविल इंजीनियरिंग मैंने चूज़ की, जिसमें मतलब मुझे पहले CS मिली थी, फिर लेकिन घर वालों ने और सब ने बोला कि सिविल इंजीनियरिंग मुझे लेनी चाहिए, तो मैंने सिविल ली। और उसके बाद फिर मैंने प्राइवेट कंस्ट्रक्शन कंपनी में जॉब भी किया, इंदौर में किया, दिल्ली में भी रहा कुछ टाइम, बट मुझे मतलब उस चीज़ में संतुष्टि नहीं मिली, सेटिस्फेक्शन नहीं था। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं प्रिपरेशन करता हूँ, प्रिपरेशन की, लेकिन कोविड का टाइम आया तो एग्ज़ाम्स टाइम से नहीं हो रहे थे, तो अंदर ही मतलब अच्छा नहीं लगा कि सब लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, मैं एग्ज़ाम्स के चक्कर में अगर रहा तो फिर होगा नहीं। तो फिर मैंने साथ सोचा कि कुछ और भी करते हैं, तो मैंने MBA में एडमिशन लिया। डेटा साइंस और फाइनेंस मेरी ब्रांच थी, तो नई ब्रांच है, अच्छा मतलब स्कोप है उसका। तो मैंने मतलब ये सोच के रखा था कि MBA से पहले मुझे जॉब लेनी है कुछ भी करके, तो साथ साथ मैंने अपनी स्किल्स डेवलप की और कई चीज़ें खुद से भी सीखी। तो मेरा फर्स्ट ईयर ही कंप्लीट हुआ था MBA का और मैंने खुद से जॉब ढूंढ ली थी और MBA के साथ साथ मैं जॉब कर रहा था। फिर 6-8 महीने मैंने और ट्राई किया कि और अच्छी कंपनी में ट्राई करते हैं, तो फिर उसके बाद 6 महीने या 7 महीने बाद जॉब करते करते मुझे एक MNC में जॉब मिली और अभी मैं MNC SNP ग्लोबल में डेटा एनालिस्ट की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। परिवार का कैसा सपोर्ट रहा? दानिश की माँ है, जब आपको ये सूचना मिली कि मेरा बेटा जो है मध्य प्रदेश में कॉलेज में जो है विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया है और गोल्ड मेडलिस्ट है, तब आपको कैसा लगा? मुझे बहुत खुशी हुई, मुझे मेरी जब से ये पैदा हुआ पढ़ रहा था उसके बाद तक मतलब सभी अच्छी पोस्ट पे रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मैंने अपने ऑफिस में बताया तो उन लोगों को भी बहुत खुशी हुई।